मैं सिकंदर कुमार यादव पटना दिग्गा नागटा दियरा का निवासी हूँ और आज बहुत खुशी की बात है कि मैं आज लुजप्पा पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। और लोजपा में क्या आपको ऐसा लगा कि हर पार्टी से क्या फर्क है, या क्या इस देख के इसमें आप लोग आज ज्वाइन किए? जो गरीब और दलित पिछड़े लोग हैं और जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को सही जगह अगर पहुंचाने का कोई काम करेंगे तो हमारे माननीय चिराग पासवान जी करेंगे, और उनसे बिहार के सारे लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षा है। चूँकि इतने सालों से हम लोगों ने सब लोगों का सुना, सब लोगों को वोट भी दिया, लेकिन आज तक उनकी आकांक्षाओं को किसी ने भी पूरा नहीं किया। इससे पहले और आशा और उम्मीद के साथ, इसके पहले मैं RJD में 98 में था, पटना जिला में था मैं, और उस समय देवमुनी सिंह अध्यक्ष थे और पार्टी के लिए हमने काफ़ी काम भी किया। यहाँ लोजपा में आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आज लोजपा में हमारी भूमिका ये रहेगी कि पार्टी के और संगठन को मजबूत किया जाए, और पार्टी का जो रणनीति है लोगों के प्रति जो कार्य करने की जो रणनीति बनेगी पार्टी की, मैं आम लोगों तक पहुँचाऊँगा, और आम लोगों की जो बात होगी पार्टी के पास पहुँचाऊँगा कि इनकी अपेक्षा है पार्टी से, और पार्टी उस गरीबों की जो उम्मीद और आकांक्षा होगी उस पर खरा उतरे। कितने लोगों से आज आप यहाँ पर आज जुटे हैं? आज अभी हमारे पास तो अचानक हम लोग आए हैं तो सब लोगों से बात हुई, तो फिर हम लोग ज्वाइन किए पार्टी को। काफ़ी दिन से बात चल रही थी कि कौन सा पार्टी है जो अभी बिहार में जो अपेक्षा और आकांक्षा है लोगों की, सारी पार्टियों को लोगों ने देख लिया, लेकिन अभी एक ऐसी पार्टी बची हुई है लोजप्पा चिराग जी के नेतृत्व में। ये जितने भी बिहार के दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उन तो चिराग जी ही उतरेंगे, बाकी लोग सिर्फ भाषण देते हैं और चले जाते हैं वोट लेके। 5 साल के बाद ही मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं वोट लेने के बाद। कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी जो दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस पार्टी में ज्वाइन करूँ और करके पार्टी का विस्तार भी हो और बिहार के लोगों का जो आकांक्षा है वो पूरा हो और पार्टी को मजबूत करूँ।